क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात रखी नहीं है। अगर आप उसको वीडियो को कोई देखेगा वो अपने आप समझ जाएगा, उसको सुनेगा वो अपने आप समझ जाएगा। ऑर्बिटल कॉरिडोर ये रहे कौन है जो 5.5 करोड़ का सिस्टम बन रहा है। मैं इन चीजों में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करता हूँ। ऑर्बिटल कॉरिडोर ये रहे कौन है ना, मैं उचित समझता हूँ कि मैं इस चीज में सफाई दूं। अब शब्द है, देखिए ऐसा है, उस वीडियो को मैंने भी सुना है कि लोग बाग क्या कह रहे हैं, उसको कोई सुन तो रहा नहीं है। वो जो बीप है ना, बीप, वो बीप ने इतना कंफ्यूज कर दिया है। न्यू बीप से अलग भी सुना है, न्यू से अलग भी है वीडियो। तो बीप जो है, मेरा कहने का मतलब ये, उस वीडियो को पूरा अगर सुनेगा कोई तब वो अपने विचार बनाएगा क्या बात है। और दूसरी बात ये है, ये इस तरह की बातें, छोटी छोटी बातें, घिनौनी बातें, देश कहाँ पहुँच रहा है, हम किस सपने के साथ चल रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को कितने आगे बढ़ाना है। इधर से हमारे अमित शाह जी कितना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के 6600 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के हरियाणा के अंदर आए, माननीय रेल मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आज स्पष्टीकरण पूरा कॉरिडोर पे बता रखा क्या मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए फरीदाबाद से, उसका जो है ऑनलाइन जो है उसका उद्घाटन हुआ और जब बैठे थे। इन सारी सिस्टम को देखते हुए जो असली चीज़ को छुपाने के लिए जो असली बात थी उस दिन, जो प्रोग्राम था, इतना बड़ा प्रोग्राम, अमित शाह जी का भाषण नहीं हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण नहीं हुआ, रेल मंत्री जी का भाषण नहीं हुआ। इससे पहले ही प्रशासन ने उसके सारे कनेक्शन, डिजिटल कनेक्शन, सारे के सारे कनेक्शनों को बंद कर दिया। असली चीजों को जो सुनना नहीं चाहते, असली चीजों को बताना नहीं चाहते। वजह क्या रही प्रशासन के दबाव में था क्या? वो तो मैंने लिखा है, मैंने होम मिनिस्टर को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी, सारा मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है कि इस बात की इंक्वायरी करी जाए। जब इंक्वायरी होगी तब पता लगेगा इसका दूध का दूध पानी का पानी, क्या वजह थी। कम से कम 2 घंटे का प्रोग्राम था और 5 से 7 मिनट में वो प्रोग्राम समाप्त कर दिया गया। उन चीज़ों को ढकने के लिए, उन चीज़ों के ऊपर के भाई कोई बात ना आए, उन चीज़ों को ढकने के लिए इस तरह की बातें रखी जा रही हैं। और हम सबको मिलकर के आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, रखने एकता दिवस पर, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने रोहतक को, हरियाणा को और देश को प्रगति के रास्ते पर आगे लाएं। इन चीज़ों में समय वेस्ट करके हमारे को लड़ाई लड़नी चाहिए, सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए कि हम भादरगढ़ से सांपला मेट्रो को जोड़ें, सांपला से रोहतक मेट्रो को जोड़ें, RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो मंजूर हो गया है उसके लिए सर्वे कराएं। ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए रोहतक बिल्कुल फूटा पड़ा है, रोहतक को जो हम अच्छी तरह से इसकी सिस्टम बने, इसके सीवर की व्यवस्था है का सिस्टम, एक बार बारिश होती है आप लोगों ने देखा किस तरह से, लेकिन हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, हम सब मिलकर के रोहतक के विकास की बात सोचें, विकास को आगे बढ़ाएं, बल्कि इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। अच्छा, मनीष ग्रोवर के साथ विवाद क्या है आपका? क्या इसके साथ मनीष ग्रोवर मेरे साथ कोई विवाद नहीं, मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं। मैंने ये बात कही थी, कॉरिडोर का 5600 करोड़ रुपए का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हमारे को सौगात मिली है, रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र को सौगात मिली है। कम से कम 50-60% हिस्सा पलवल से लेकर के कुंडली तक है, कम से कम 60% हिस्सा रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र का है उसमें, तो हमारे को उस बात का धन्यवाद करना चाहिए, हमारे को लोगों को बताना चाहिए। और ये प्रोग्राम जो है, मैंने ये बात रखी थी कि भी हम अगर हम सार्वजनिक जगह पर इसको बजरंग भवन के पास हम इस प्रोग्राम को करते, हम रेलवे स्टेशन पर इस प्रोग्राम को करते और करके अगर हमें सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही थी, हम डॉक्टर मंगल सेन जी को इसको समर्पित करते, डॉक्टर मंगल सेन जी का इस पर नाम लगवाते, डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम से हमारा जो अपना रेल ट्रैक जो बना है, रेलवे ट्रैक जो बना है, एलिवेटेड रेल ट्रैक, ये डॉक्टर मंगल सेन जी का हम उस पर पत्थर लगाते। तो सब मिलकर के एक विकास की बात हमारे को सोचनी चाहिए, इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठने। वास्तविकता ये है कि जनता परेशान है, यहाँ मूछों की लड़ाई लड़ी जा रही है, इतना एक तरफ आप हैं, एक तरफ मनीष ग्रोवर है, एनर्जी जो है, देखिए मैं इन चीजों में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करता हूं, ना मैं उचित समझता हूं कि मैं इस चीज में सफाई दूं, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात रखी नहीं है। अगर आप उसको वीडियो को कोई देखेगा
वो अपने आप समझ जाएगा, उसको सुनेगा, वो अपने आप समझ जाएगा मुझे इसमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। एमपी साहब आज